जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों, आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन की सीटों की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया है और आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बतलाना चाहेंगे आप लोगों को दोस्तों कि जो पहले आरआरबी टेक्नीशियन की सीटों की संख्या थी वो 9000 प्लस सीटों पर वैकेंसी निकाला गया था और अब जो है आप लोग की आरआरबी टेक्नीशियन की सीटों की संख्या 14000 प्लस सीटों पर देखने को मिल रही है दोस्तों। तो पहले जब 9000 प्लस सीटों पर वैकेंसी थी तब हम लोग के सामने टोटल 18 कैटेगरी थी हमारे प्यारे साथियों, और जब हम लोग के सामने 14000 प्लस कैटेगरी हो गया तब हम लोग को यहाँ पर 22 और नए कैटेगरी एड कर दिए गए हैं। तो इसके बाद हम लोग को टोटल काउंट करने पर 40 यहां पर जो है हम लोग को कैटेगरी देखने को मिले हैं, 40 कैटेगरी देखने को मिले हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, जहां पर हम लोग जो है मात्र 18 कैटेगरी के लिए फॉर्म को अप्लाई करने थे, अब हम लोग को क्या करना है कि अपने पोस्ट प्रिफरेंस वगैरह जोन वगैरह को चेंज करके टोटल जो है 40 कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई कर देना है। जी हाँ साथियों, आप लोगों को देखिए बतलाना चाहेंगे हमारे प्यारे साथियों कि जब सीट को इंक्रीज किया गया है ना 9000 से यहाँ पर 14000 जब किया गया है, तब सभी जोन में सीटों की संख्या को बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो आप लोग के लिए जोन का जो है संख्या, जोन की सीटों की संख्या को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आप लोग का अपने कैटेगरी का सीट जानना जरूरी, ठीक है। तो आप लोग का हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी बतलाएंगे टोटल डाटा, और ये बढ़ते से घटते क्रम में आप लोग के लिए जो है यहाँ पर हम टोटल जोन का डाटा भी बतलाएंगे कि कौन से जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, कौन से जोन में सबसे कम वैकेंसी है। पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को प्राप्त करवाने वाला है दोस्तों, और ये स्पेशल सेशन है मशीनिस्ट वालों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने अदर किसी ट्रेड का नहीं बताया, सभी ट्रेड का मैंने बता दिया है, सिर्फ मशीनिस्ट बचा है। तो सोचे कि मशीनिस्ट का भी आप लोग को हम जो है सारा सेशन प्राप्त करवा दे, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा अगर आप लोग मशीनिस्ट ट्रेड से होने वाले हैं तो साथियों। अच्छा, उससे पहले एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहेंगे हमारे प्यारे साथियों। देखिए, बहुत सारे भाई हमारे बोलते हैं, जो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि हम बहुत दिनों से आप लोग का रेलवे का क्लासेस जो है कवर कराते हैं, तो बहुत सारे भाइयों का हमारे पास मैसेज आ रहा है कि भैया जो है हमें बाहर पढ़ने में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा महसूस होता है, बुक लेकर पढ़ने में। बहुत सारे लोग क्या होता है कि भैया चेहरा देखने लगते हैं कि घूर घूर करके भैया ये बाहर पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो भाइयों का मैसेज आता है कि भैया हमारे लिए कोई ऐसा नोट्स प्राप्त करवा दीजिए ताकि हम इजिली मोबाइल को निकाल करके कहीं भी अगर बैठे हुए हैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए तो आराम से हम लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हम एक PDF फॉर्मेट में आप लोग के लिए एक सैंपल दिखला रहे हैं। देखिए, ये जो सैंपल है ना दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए है, ठीक है। आरआरबी टेक्नीशियन के लिए सैंपल है। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि बेसिक साइंस से क्वेश्चन पूछता है टेक्नीशियन में, फिर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछता है, तो उससे रिलेटेड ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि जितने आप लोग के आरआरबी टेक्नीशियन में पूछेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, सिर्फ उतना ही टॉपिक आप लोग को हम कवर कराए हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ भी आप लोग के लिए कवर नहीं कराए हैं, ताकि आप लोग इजीली अपने एग्जाम भर पढ़िए और अपने एग्जाम को जो है इजीली क्रैक कर सकिए। यहाँ पर देखिए, ये आप लोग के लिए मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, तो मैथ से भी ये आप लोग का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, रीजनिंग से भी आरआरबी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आप लोग का सारा रीजनिंग से क्वेश्चन टॉपिक है। यहाँ पर जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये हो गया हम लोग का लेटर एंड नंबर सीरीज हो गया, यहाँ पर जंबलिंग हो गया। उसके बाद साथियों बहुत सारे ऐसे आप लोग को टॉपिक देखने को मिलेंगे, डायरेक्शन से भी आप लोग का जो है रीजनिंग पूछता है, ये सारे कवर कराए हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से भी आप लोग का आरआरबी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग को ये नोट्स दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग इजीली जो है अपने एग्जाम को रेलवे टेक्नीशियन साल 2024 के एग्जाम को आप लोग क्रैक कर सकते हैं घर बैठे बैठे। अगर आप लोग किसी भी ट्रेड से हैं, मान लीजिए आप लोग अगर ग्रेड 1 से हैं या फिर ग्रेड 3 से हैं, चाहे आप लोग भैया किसी अन्य भी, अगर इंडिया के किसी अन्य एग्जाम का भी अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे पास से नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए करना क्या होगा, देखिए नंबर को नोट कर लीजिए 7870141238, ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। ये तो हो गया आप लोग का टेक्नीशियन का, जो अभी हम आप लोग को बताए हैं। अगर आप लोग इंडिया के किसी भी अन्य कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में भैया बैठते हैं और आप लोग को अगर नोट्स चाहिए किसी भी एग्जाम का, चाहे स्टेट लेवल क्यों ना हो, बिहार पुलिस क्यों ना हो, राजस्थानी पुलिस क्यों ना हो, सभी का नोट्स आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो नंबर नोट कर लेना है, और इस नंबर पर आप लोग को सभी एग्जाम का नोट्स मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग को क्या करना होगा, इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप करना होगा, और अगर आप लोग टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपने यहाँ पर ग्रेड बतला दीजिएगा, ग्रेड 1 ग्रेड 3 आप लोग अपना बतला दीजिएगा, आप लोग का ग्रेड का नोट्स दे दिया जाएगा दोस्तों, मात्र ₹70 में यहाँ पर आप लोग को नोट्स दिया जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी शाम का भैया समोसा बर्गर पिज्जा खाना छोड़ते हैं ना, तो इजिली आप लोग जो है इस नोट्स को ले सकते हैं, मात्र ₹70 में आप लोग को ये पूरा रामबाण नोट्स दे दिया जाएगा।
जाएगा ताकि आप लोग अपने जो है एग्जाम को इजीली घर बैठे क्रैक कर सकते हैं। तो नंबर को नोट जरूर कर लीजिएगा 7870141238। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। मशीनिस्ट टेस्ट का पूरा हम लोग डिटेल समझते हैं कि मशीनिस्ट के लिए कहाँ पर सबसे अच्छा जोन रहने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे अगर अच्छे वैकेंसी की बात कर ले कि कहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है, तो वो है हम लोग के मुंबई, चेन्नई, बिलासपुर, अजमेर और पटना। ये ऐसे टॉप 5 जोन है दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा जो है वैकेंसी निकाली गई है। कौन कौन सा? मुंबई, चेन्नई, यहां पर हो गया बिलासपुर, अजमेर और पटना। ये आप लोग का कैटेगरी वाइज वैकेंसी है दोस्तों। जैसे यहां पर यूआर का है, ये एससी का है, एसटी का है, ओबीसी है, ये ईडब्ल्यूएस की आप लोग के टोटल वैकेंसी की डाटा लिखी गई है हमारे प्यारे साथियों। तो आप लोग देख सकते हैं कि टॉप 5 जोन आप लोग के लिए कौन सा रहने वाला है मशीनिस्ट के लिए। मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों 497, उसके बाद चेन्नई में 462, बिलासपुर में 261, अजमेर में 255, पटना में 206 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है। ये डाटा मैंने दोस्तों आप लोग के लिए बढ़ते से घटते क्रम की ओर, घटते क्रम की ओर मैंने अरेंज किया हुआ है हमारे प्यारे साथियों। तो आप लोग समझ गए। अब समझते हैं हम लोग कि मॉडरेट जोन कौन सा रहने वाला है आप लोग के लिए, जहां पर ठीक ठाक सीटों देखने को मिल रही है। कोलकाता है, भोपाल है, गुवाहाटी है, प्रयागराज, गोरखपुर, जम्मू श्रीनगर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और चंडीगढ़। ये ऐसे टॉप जोन है जहां पर दोस्तों आप लोगों को मिला जुला करके ठीक ठाक वैकेंसी का देखने को मिल रही है। वैकेंसी नंबर 40 तक, 147 से लेकर के वैकेंसी नंबर 40 तक आप लोग को ठीक ठाक जो है यहां पर ऐसा जोन है जहां पर ठीक ठाक सीट निकाला गया है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्म को अप्लाई करते वक्त बहुत काम आएगा। नीचे भी अभी आप लोग को लोअर जोन बतलाने वाले हैं कि कौन सा आप लोग के लिए सबसे खतरनाक जोन इस बार है दोस्तों। ले लिए स्क्रीनशॉट, आप लोग नंबर को जरूर से जरूर नोट करिएगा दोस्तों। 7870141238 आप लोग के लिए यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा इंडिया के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे लोअर वाला जोन कौन सा रहने वाला है दोस्तों इस बार। तो देखिए दोस्तों, हम लोग के सामने लोअर में देखने को मिला है तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, मालदा, रांची और चंडीगढ़। मशीनिस्ट के लिए ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाला गया है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्म को अप्लाई करते वक्त बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। और ये आप लोग का जनरल का टोटल सीट है 1127, एससी 380, एसटी 209, ओबीसी 654 और 297 जो है आप लोग का यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए दोस्तों। चलिए आशा करता है कि स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट ले लिए, फॉर्म को अप्लाई करिएगा ना, तो इसको थोड़ा सा देख करके फॉर्म को अप्लाई करिएगा और अपने कैटेगरी का सीट देख करके करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप लोग को दोस्तों नोट्स चाहिए तो आप लोग को नंबर बतला ही दिए, और कुछ अगर क्यूरी है, कोई भी सवाल है तो कमेंट करिएगा, आप लोग को रिप्लाई देंगे। और नोट्स के रिगार्डिंग अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 7870141238। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट करना है और किसी भी क्यूरी के लिए नहीं। क्यूरी है तो यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में कमेंट करिए, आप लोग को हम रिप्लाई जरूर देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करता है कि सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए सारा इन्फॉर्मेशन निकालने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, एक बार बिना नियोजन करेंगे। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों मित्रों के पास। चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।